हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है स्टार्टर रिले के रिगार्डिंग। तो हम इसमें देखेंगे स्टार्टर रिले कैसे वर्क करते हैं और उसमें क्या क्या मैकेनिज्म उसके अंदर रहते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टार्टर रिले है जो कि डैमेज हो चुका है, लेकिन मैं इसको आपको टेस्ट करके बताऊँगा इसके इनसाइड में क्या फंक्शन रहता है। बेसिकली इसका काम जो रहता है वो एनवेंसी का काम करता है, यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज सर्किट का काम करता है ये। जब इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है, यानी कि जो बैटरी से हम 12 वोल्ट इस पर सप्लाई देते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो दो पिन है, ये वाली और ये वाली, यानी कि जो येलो शेड इसमें दिख रही है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और जो कॉपर शेड इसमें दिख रही है वो सर्किट को कंप्लीट करता है। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ये हमारा कॉइल हो गया, और इसमें 12 वोल्ट का करंट कहाँ से आता है, ये एक ये वाला पिन है जो यहाँ से दिया जाता है, और एक ये वाला पिन यहाँ से जाता है। एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो जब इसमें करंट जाता है इस कॉइल में, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपनी ओर अटैक करता है। इसके बाद जो हमारा सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं इसको बैटरी से चेक करके बताऊंगा आपको कि वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास ये बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है, और हम इसमें इसको अटैच करवाएंगे। मेरे पास क्लिप नहीं है तो मैं इस तरीके से वर्क करूँगा। और इसमें कुछ टिक टिक की साउंड आ रही है, यू कैन सी ये एक्टिवेट हो रहा है। ये वाला पॉइंट जब एक्टिवेट होता है तब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में यही था। बने रहिए वीडियो के साथ।